अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद जी, आप सबको मेरी वीडियो में खुशामदीद पखैर दे रागले बल्ले कर आया वशत के एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट अली हसन। एंड मुझे पता है आपने मेरी वीडियो देखने के बाद और भी काफी ज्यादा वीडियोस देखनी होंगी, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माय टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेडीज एंड लेडीज, ओ आई मीन जेंटलमैन, आज की कहानी शुरू होती है एक आग से। वो आग जो दो दिन तक जलती रही और अपने साथ तकरीबन 300 लोगों की मासूम जाने ले गई। एक ऐसी आग जिसने सिर्फ दो दिन में 17,000 से ज्यादा घर, हॉस्पिटल्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग जिनमें चर्च और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स, यू कैन से द बिजनेस बिल्डिंग्स और ऐसे बहुत से वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स तबाह कर दिए, राख कर दिए। और इसने सिर्फ दो दिन में 3.3 स्क्वायर माइल्स का एरिया जलाकर राख कर दिया। जी हाँ वादी नजरात, तो मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट शिकागो फायर। 8 अक्टूबर 1871 को रात 9 बजे एक फार्म में एक भैंसों के तबेले में आग लगी। कौन जानता था कि ये आग इतनी बढ़ जाएगी कि पूरे शहर को इस आग की वजह से मुश्किल हो सकती है। ये आग जिस फार्म में लगी, जिस भैंसों के तबेले में लगी, वो फार्म था कैथरीन ओलैरी का। कैथरीन ओलैरी एक इमिग्रेंट थी जो पहले आयरिश इमिग्रेंट जो पहले आयरलैंड में रहती थी, वहां से मूव होकर काम की गर्ज से वो यहाँ शिकागो में शिफ्ट हुई। शिकागो में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया, लाइक दूध बेचने लगी। जो ऐसा कि मैंने आपको बताया, ये बात है 1871 की, आज से 100-150 साल पहले की। तब भी शिकागो एक यूएस और एलिनॉय का ऐसा सिटी था, इस स्टेट का, जिसमें रोजगार बहुत ज्यादा था और लोग डिफरेंट स्टेट से और दूसरे मुल्कों से यहाँ रोजगार कमाने आया करते थे। सो पैट्रिक, कैथरीन ओलैरी और उनके तीन बच्चे हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। कहा यह जाता है कि उनके तबेले में आग लगी, हालांकि ये कंफर्म बात नहीं कि उनके तबेले में आग लगी थी या उसके पास लगी थी और ये आग कैसे लगी थी। रूमर्स और मिथ्स के मुताबिक ये भी कहा जाता है, अफवाहें ऐसी भी उड़ी कि कैथरीन ओलैरी उस वक्त अपनी गाय का दूध निकाल रही थी और उनके पास कोई लैंप लालटेन पड़ा हुआ था जिसको उनकी गाय का पांव लगा और उनके पास जो भूसा पड़ा हुआ था, पंजाबी में जिसे पराली कहते हैं, वो पड़ी हुई थी, तो उसे आग लग गई और बढ़ती बढ़ती इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूरे शहर को जलाकर उसने राख कर दिया। जबकि कैथरीन ओलैरी से जब पूछा गया, बिकॉज सिर्फ कैथरीन ओलैरी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, तब जब इन्वेस्टिगेशन इस आग के बाद स्टार्ट हुई तो 4 से 5 लोग इसके जिम्मेदार करार दिए गए। और उनके बाद जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई तो कैथरीन ओलैरी को इन्वेस्टिगेशन में, जो के वो ऑफिसर्स थे, उन्होंने इनको क्लीन चिट दे दी उस टाइम कि आपका आग आपकी वजह से नहीं लगी थी। पर ये बात कोई मानने को तैयार नहीं था, शायद इस वजह से कि कोई जो इमिग्रेंट्स दूसरे मुल्क से किसी मुल्क में जाके रहने आते थे, उस वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरा समझा जाता था आयरिश लोगों को, और ये कहा जाता था कि ये लोग आकर हमें भी, हमारा भी काम बर्बाद कर रहे हैं। बिकॉज इमिग्रेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी, बल्कि इसके बाद भी वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 में भी बहुत ज़्यादा तादाद में इमिग्रेंट्स जो कि यूरोप से अमेरिका शिफ्ट होने लग गए, और ख़ासकर शिकागो में हाल ये था कि इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर आ गए थे कि अगर एक बंदा कहीं इंजर्ड हो जाता किसी काम में, तो उसको थोड़ी सी चोट आ गई या बुखार आ गया तो उसकी जॉब चली जाती थी। बिकॉज लोग इतने ज़्यादा उस जॉब के लिए पीछे खड़े होते थे किसी वैकेंसी के लिए, वैकेंसी बनते ही बंदे को रिप्लेस कर दिया जाता था। अगर किसी को कुछ बुखार होता या किसी को कुछ कट लग जाता, कुछ जख्म हो जाता, तो लोग उसे छुपाना बेहतर समझते थे, ना कि किसी को पता चल जाए तो उसकी जॉब चली जाए। शिकागो हमेशा से ही ऐसा था और आज से 100-150 साल भी ऐसा ही था। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक।
हुआ ये कि उस आग जब लग गई तो मैं बात कर रहा था कैथरीन ओलारी को ब्लेम करने की, क्योंकि वो एक आयरिश हवा खातून थी, माय बैड, तो उन्हें ब्लेम किया गया कि इनकी वजह से आग लग गई और इन्होंने हमें जो कि हमारा काम भी इन्होंने खराब कर दिया, दिस एंड दैट। सो कैथरीन ओलारी का कहना ये था कि रात के 9 बजे मैं सो रही थी और हमारे बच्चे भी, हम सब सो रहे थे, तो दो आदमियों ने आकर हमारा दरवाज़ा खटखटाया और हमें आग का बताया, उससे पहले हमें आग का नहीं पता था। ये ब्लेम करना कि कैथरीन ओलारी को इस आग में, इस आग के वक्त वो उनका अपनी गाय का दूध निकाल रही थी, अगर आप जैसे मैं पंजाबी हूँ मुझे पता है कि रात के 9 बजे कोई दूध नहीं निकालता, ऐसा कुछ नहीं होता, तो फिर आग लगी कैसे? जो कि इन्वेस्टिगेशन में ये कहा गया कि शायद वहाँ पर बच्चे बैठकर खेल रहे थे, डाइस खेल रहे थे और उनसे लैंप गिर गया होगा, यहाँ पे वहाँ वहाँ पर कोई सिगरेट पी रहा था, सिगार पी रहा था और वो फेंक कर चला गया और बाद में वो सुलगा हुआ सिगार ने सब जगह आग लगा दी। बट मेन वजह क्या थी ये आज तक नहीं पता चल सका कि ये आग लगी कैसे। अब ये सवाल भी उठता है कि अगर आग लग गई, ठीक है आग लग जाती है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट ये आग इतनी बढ़ कैसे गई कि इसने पूरे शहर को जला दिया, 3.3 स्क्वायर माइल्स का एरिया इस आग ने जला कर रख दिया। उसकी वजह ये हुई कि उस वक्त जब के मोबाइल फोन्स नहीं थे और इतना फाइबर ग्रेड का इतना एडवांस सिस्टम नहीं था, उस वक्त ये हुआ कि एक कोर्ट हाउस के ऊपर के कोर्ट हाउस टावर जो कि तब शिकागो में मौजूद था, अब भी है, तो वो उस टावर के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसने दूर से धुआं उठता देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा था, तो उसने इन्फॉर्म किया फायर ब्रिगेड को कि वहाँ पर आग लगी है। बट फायर ब्रिगेड का भी निज़ाम इतना अच्छा तब नहीं था। फायर ब्रिगेड का निज़ाम ये था कि 3 लाख लोगों के ऊपर सिर्फ 185 फायर फाइटर्स, जो कि आप कह सकते हैं अमला फायर ब्रिगेड का, सिर्फ 185 बंदे जिनके पास 17 हॉर्स ड्रॉन जो कि स्टीम पंपर्स होते थे उस वक्त, तो वो सिर्फ उनके पास इतना सा सामान, जो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि शिकागो 1833 में एलना स्टेट ने जो कि शिकागो को एक शक्का दर्जा दिया, तब इसकी तादाद लगभग 300 लोग यहाँ पर रहते थे, कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम यहाँ पर नहीं था, पर सिर्फ 30 से 40 सालों में इसकी तादाद इतनी बढ़ गई कि 3 लाख से भी ज़्यादा हो गई। पर तब कोई किसी को ये इलम भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इन्हें इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं बात कर रहा था उस सिक्योरिटी गार्ड की जिसने इन्फॉर्म किया कि वहाँ पर आग लगी हुई है। मसला ये हुआ कि उस सिक्योरिटी गार्ड से, रात का वक्त था और इतनी ज़्यादा लाइट्स वगैरह नहीं थी, उसने गलत जगह पर उन्हें पॉइंट कर दिया। उसकी से मिस्टेक ये हुई कि जहाँ पर एग्जैक्टली आग लगी हुई थी वहाँ पर भेजने की बजाय उसने किसी और जगह, किसी गलत जगह पर फाइबर गेट्स को भेज दिया, जिसे वहाँ जाकर वहाँ से वापस आग वाली जगह पर जाने में तकरीबन 45 मिनट लग गए। जैसा कि मैंने आपको बताया अक्टूबर का महीना था, अक्टूबर का महीना आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा ड्राई और ऐसा नहीं होता था और अनसीजनेबली लाइक ऐसा सीज़न नहीं था जैसा उस साल 1871 को था कि दो से भी 4 मंथ्स पहले लाइक जून जुलाई से लेकर अक्टूबर तक सिर्फ 25 मिलीमीटर्स जो के बारिश पड़ी थी, लाइक नथिंग, कि बारिश ही नहीं हो रही थी और शदीद किस्म का ऑटम का महीना था। और आपको शायद पता ही हो कि यहाँ पर ऑटम जो है, जो कि हजां का मौसम है, वो बहुत ही ज़्यादा डराया होता है और एज विंडी सिटी उस वक्त कंट्रीसाइड और शिकागो ऐसा शहर जो 3 से 4 हिस्से जो कि सिर्फ लकड़ी से ही बना है और हर जगह लकड़ी, और जहाँ पर आग लगी वहाँ पर भी वैसे ही भूसा, पराली वगैरह, गाय का चारा वगैरह वो सब बिखरा हुआ था, उससे आग बढ़ती बढ़ती घरों को लगी और लैंप जो कि ऐसी लकड़ी है लंबर, जिसे वो आग लग के इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है
कि आपकी सोच है। वो आग खवातीन हजरात बढ़ती बढ़ती 45 मिनट में 2 से 3 ब्लॉक्स को घेर चुकी थी, और जो के दो लोग दूर थे, जो लोग जाहिर है पास थे, जो उठ गए थे वो उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे, बट जो लोग दूर थे वो सिर्फ दूर से यही देख रहे थे कि आग लगी है, अफसोस कर रहे थे। कोई इतनी हासा मदद कोई नहीं कर रहा था, सब यही सबका यही सोचना था कि अभी बुझ जाएगी। उनको ये नहीं पता था कि अगला नंबर उनके घर का है, बिकॉज ये आग बढ़ती बढ़ती इतनी ज्यादा बढ़ गई, जो कि उस मैं जैसे आपको बता रहा हूँ 3 से 4 ब्लॉक्स जब ये बढ़ गई तब फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंचे, पर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। तब फायर ब्रिगेड्स ने अपना काम करना स्टार्ट किया, लोगों ने भी मदद करना शुरू कर दिया, पर जैसा कि आप इस मैप पर देख सकते हैं, शिकागो के मैप में एक लेक है, लेक मिशिगन है, जो कि लोगों का ख्याल ये था कि लेक मिशिगन से उधर वाली साइड पे ही आग जितनी मर्जी भी बढ़ जाए, लेक मिशिगन से दूसरी साइड पे ही रहेगी, साउथ साइड पर रहेगी, ये डाउनटाउन शिकागो की तरफ नहीं आ सकती, बिकॉज के दरमियान में पानी है, और पानी जो के पानी को आग कैसे क्रॉस करेगी। सो जो डाउनटाउन शिकागो में लोग रह रहे थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लोग रह रहे थे, वो उनको इस आग का अफसोस जरूर था, पर उन्हें उतने अपनी जान की फिक्र नहीं थी। एज यू नो एट दैट टाइम शिकागो ऐसा था कि इसे कहा जाता था सिटी ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स, जिसके पास था उसके पास बहुत ज्यादा था, वो बहुत अमीर था, और जिसके पास नहीं था उसके पास कुछ भी नहीं था। ये आग वहां लगी जहां पर गरीब गुरबा लोग रहते थे, जिनका मुश्किल से गुजारा होता था। सो फायर ब्रिगेड जैसे वहां पर पहुंची, अपना काम उन्होंने करना स्टार्ट किया, पर उनसे इस आग पर काबू नहीं पाया गया। यहाँ पर इतना ज्यादा लकड़ी का काम हुआ हुआ था जो आग को बढ़ने में बहुत मदद दे रहा था। आग बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ गई कि ये लेक मिशिगन पर तक आ गई। जब आग वहां पहुंची तो वो पुल जो थे वो भी सारे लकड़ी के बने हुए थे, और सबसे बड़ी बात ये उसी ट्रैक के ऊपर दोनों आप कह सकते हैं कि एंड्स के ऊपर लेक के दोनों एंड्स के दरमियान में एक ट्रेन खड़ी थी जिसके अंदर था ऑयल, कैरोसिन। ये कैरोसिन उस वक्त इस्तेमाल होता था डिफरेंट मशीन्स के लिए, और लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते थे, अपना लैंप में यूज जो होता है तेल, मिट्टी का तेल जिसे कहा जाता है, उसकी ट्रेन खड़ी थी, और उसी की साइड पे जो कि आपको ये बंदरगाह टाइप एक जगह थी जहाँ पर बहुत ही ज्यादा लंबर पड़ी हुई थी, और कोल पड़ा हुआ था जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वहां पर पड़ा था। और वो आग अपनी शिद्दत को जब पहुंची, वहां पर आकर एक ब्लास्ट हुआ, पहला ब्लास्ट वहां पर हुआ, और उस जितनी भी उन्होंने लकड़ी वहां पर इकट्ठी की थी, कोल इकट्ठा किया हुआ था, उस सब को भी आग लग गई। तब अजीब तमाशा शुरू हुआ, तब ही लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि अब हम सब की हैर नहीं है, और ये आग अब काबू नहीं हो सकती। इस आग का यकीन तब सबको हो गया जब पास ही एक गैस स्टेशन था, जैसा कि गैस स्टेशन नॉट लाइक पेट्रोल पंप नहीं था, बट वो एक गैस स्टेशन आप जैसा कि कह सकते हैं कि एक एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्लांट था, जैसे आपका आप प्लांट्स होते हैं वैसा एक प्लांट था। उसको जब आग लगी और वहां दूसरा ब्लास्ट हुआ, और तकरीबन ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1 माइल का एरिया उसी ब्लास्ट की वजह से मुतासिर हुआ, और ये आग बढ़ती चली गई। लोगों का कहना है कि उस वक्त आग उन्हें हवाओं में नजर आ रही थी, यू कैन से फाइट टोर्नेडोज आने स्टार्ट हो गए, और हवाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई, जिसकी वजह से आग हवा में फैल गई, और हर चीज जो रास्ते में आती गई हवा के वो जला दी गई। एक जो कोर्ट हाउस टावर की मैं बात कर रहा हूँ, उस टावर को ये कहा जाता था कि ये एक टावर फायर प्रूफ टावर है, इस बिल्डिंग को आग नहीं लग सकती, बट जब वो टावर और वो बिल्डिंग इस आग से गिरी तब लोग इस बात का यकीन कर चुके थे कि अब ये शिकागो खत्म हो जाएगा और इसे कोई भी नहीं बचा सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं जिस जगह पर आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस जगह पर मेरे वीडियो शूट करने का मतलब ये है कि ये उन जगहों में से एक ऐसी जगह है जहाँ पर
इस आग का लग जाना तो ठीक था, पर इस जगह को आग जला नहीं सकी। ये जगह जिसका नाम शिकागो वाटर वर्क्स, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी और मेरे इस साइड पे भी, जो अच्छा के डिफरेंट चार्ट्स में आपको नजर आ रहा होगा, ये एक पत्थर का किला टाइप बना हुआ है जो कि शिकागो वाटर वर्क्स के नाम से जगह जानी जाती है, जो उस आग में बची, जो उस आग में नहीं जली। यहाँ पर होता ये था कि मेरे इसी, अगर हम यहाँ से थोड़ा पीछे जाएं, ये बिल्डिंग्स के पीछे हमारी लेक है, लेक मिशिगन है, तो लेक मिशिगन से जो पानी आता था वो यहाँ पर ये वो प्लांट लगा है, वाटर प्लांट लगा है कि जिसके अंदर पानी आता था, वहाँ से साफ होकर फिर ये पूरे सिटी में ट्रांसफ़र होता था। और अब भी, अब तो खैर इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, बट उन वक्तों में इसका इस्तेमाल एज अ वाटर फिल्टर प्लांट के लिए इसका इस्तेमाल होता था इस जगह का। और बहुत सारी 5-7 जगह ऐसी जो इस आग से बच गई, उनमें से एक जगह ये थी, और ये मेरा मेन मकसद है यहाँ पर वीडियो शूट करने का। सो आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता। सो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ से ये आग स्टार्ट हुई, आज वो जगह कैसी लगती है, आज वहाँ पर क्या बना हुआ है, और इन्होंने अपनी तारीख को, शिकागो ने अपनी तारीख को कैसे संभाल कर रखा हुआ है। और आग बढ़ती बढ़ती जब जेल में लग गई तो उन कैदियों का क्या हाल हुआ, और फिर उसके बाद ये आग बुझाई कैसे गई, और उसके बाद जब आग बुझ गई तब शिकागोंस का क्या रिएक्शन था, वो लोग, वो 1,00,000 लोग जो के दो रातों में बेघर हो गए थे, उनका क्या हुआ। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी राय का इजहार ज़रूर अपने मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और जितना हो सके आपका प्यार का मुझे इंतज़ार रहेगा, और इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम मिलेंगे। सो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर एंड फादर। अल्लाह हाफिज़।